नमस्कार, मैं संगम विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही बड़ा जानकारी देने जा रहे हैं आपको। रेलवे की किराया जो है वो बढ़ने जा रहा है, कब तक बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा और क्यों बढ़ रहा है, ये सारे वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कंप्लीट। और कितना बढ़ेगा, कब से लागू होगा, किस लिए बढ़ रहा है, सारा कुछ इस वीडियो में आपको जानकारी जो है वो मिलेगा। अगर हमारे चैनल पर अगर आप पहले बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम रेलवे संबंधित टिकट बुकिंग से लेकर के हर सवाल का जवाब हम अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। और कुछ भी आपको इस ISTC ऐप रिलेटिव कुछ बुकिंग वुकिंग संबंधित कुछ भी सवाल चाहिए, की जानकारी चाहिए, तो हमें आप सब्सक्राइब करके कॉमेंट कीजिए, हम उसको लेकर के आपको हम वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी को निशान को अभी दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह के नया जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको इससे कुछ फ़ायदा हो, जानकारी अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ये दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि रेलवे का जो किराया है वो बढ़ने जा रहा है। तो अगर आप लंबे समय तक टिकट अगर आप लेने का प्लानिंग कर रहे होंगे तो आप ले लेंगे तो अभी अच्छा रहेगा आपके लिए। अभी किराया जो है वो काफ़ी बढ़ेगा, इसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसा जो है हम लोग को जेब पे ये भारी पड़ने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, किराया जो है रेलवे बोर्ड की ओर से किराए बढ़ाने की मंजूरी जो है वो मिल चुका है, जो फरवरी में, फिलहाल अभी बात जो चल रहा है फरवरी में, 1 फरवरी से किराया को बढ़ाने की बात कही जा रही है। 1 फरवरी से यानी कि किराया जो है वो बढ़ सकती है। और कितना किराया बढ़ेगा, 15 से 20% किराया आपको बढ़ सकता है। और इससे पहले जो किराया बढ़ा था 2014 में किराया बढ़ा था, 2014 के बाद जो है आज तक किराया नहीं बढ़ा है आपको, लेकिन यही 2020 में नए साल में किराया जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि रेलवे बोर्ड द्वारा किराए को बढ़ाने के जो है मंजूरी मिल चुकी है। किराया बढ़ाने का लेकर के कारण क्या है कि आज तक रेलवे का जब भी जितने अभी तक जो भी मैंने सुना है न्यूज़ के माध्यम से कि रेलवे में हर साल हर ईयर मतलब कि घाटा ही घाटा दिखाया जाता है, सिर्फ घाटा होता है, लेकिन पता नहीं घाटा क्यों होता है। ट्रेन में तो काफ़ी भाड़ चलते हैं, सभी ट्रेन में आप देखेंगे तो एक आदमी का जहाँ सीट है वहाँ पे 5 आदमी बैठ रहे हैं वेटिंग का टिकट लेकर के, फिर भी ट्रेन में सीट बुकिंग हो रहा है, तब भी पता नहीं किस तरह से घाटा जा रहा है। ये रेलवे ही समझे, रेलवे का हालांकि घाटा जाने का रीज़न जो है घाटा ये रेलवे का अधिकारी लोगों को पेमेंट जो है ज़्यादा है, पेमेंट करेगा तो कम कर देगा, आदमी को ज़्यादा बहाल करेगा तो इससे कुछ आम आदमी को बेनिफिट है। यही है, किराया जो है 15% से 20% तक किराया जो है वो बढ़ जाएगा। 1 फरवरी से किराया जो है नए साल में लागू हो सकता है। और किराया जो है 5 से 40 पैसा प्रति किलोमीटर आपको किराया बढ़ेगा, और ये हर क्लास के कोटे में आपको ये किराया जो है बढ़ेगा, हर तरह के ट्रेन में है वो किराया आपको बढ़ेगा, 5 से लेकर 40 पैसा प्रति किलोमीटर किराया बढ़ेगा। और ये 15 से 20% तक किराया बढ़ सकता है, जो कि आपको लागू 1 फरवरी 2020 से हो सकता है। और इस किराए को बढ़ाने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा किराया बढ़ाने को मंजूरी जो है वो मिल चुका है, तो बहुत ही जल्द में ही आपको किराया हो सकता है कि 1 जनवरी से भी किराया बढ़ाने का ऐलान कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल 1 फरवरी तक का खबर आ रहा है कि 1 फरवरी से किराया जो है वो रेलवे ने अपना टिकट बुकिंग को लेकर के आपको किराया जो है वो बढ़ जाएगा, और आपको किराया हर तरह के कोटे में आपको देखने को मिल जाएगा, बढ़ेगा। आशा करता हूँ जानकारी शायद आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर इस कब से लागू हो रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कितना किराया किस तरह से बढ़ा है आपको वीडियो के माध्यम से हम जरूर बताएंगे। फिलहाल इस तरह के खबर जो है वो मिल रहा है, लेकिन किराया जो है वो ज़रूर बढ़ेगा, 100% किराया जो है वो बढ़ेगा, 99% भी नहीं मैं बोल रहा हूँ, 100% किराया बढ़ रहा है, बढ़ने वाला है, क्योंकि 2014 से आज तक किराया बढ़ा नहीं है, तो काफ़ी साल हो भी गए हैं किराया बढ़ने को लेकर के, तो किराया बढ़ेगा। और इसके रिलेटिव कुछ नया जानकारी आएगा तो सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचेगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये जानकारी और लोगों तक शेयर भी करें, ताकि उन्हें भी इससे कुछ फ़ायदा मिल सके, उन्हें भी टिकट बुकिंग करने का लोग प्लानिंग बना रहे होंगे होली में या फरवरी जनवरी ऐसा कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे, तो वो टिकट जो है जितना जल्द हो सके वो बुक कर लें, क्योंकि अभी किराए का जो रेट जो है वो कम है,
तो कम रुपए में भी आप बुक कर सकते हैं। किराया जहाँ 700 रुपये का टिकट था रहेगा, वहाँ पे आपको 750 भी देना पड़ सकता है। किराया बढ़ रहा है तो काफ़ी कुछ किराए को लेकर के बढ़ेगा, किराया छोटा थोड़ा बहुत नहीं बढ़ रहा है, काफ़ी किराया में बढ़ोतरी हो सकता है या आपको जेब पे भारी पड़ सकता है। तो प्लानिंग आप कर रहे होंगे जर्नी करने के लिए तो आप लंबे समय का, तो टिकट बुक कर लें आप, आपको बेनिफिट फ़िलहाल रहेगा, लेकिन किराया जो है वो बढ़ेगा। फिलहाल 1 फरवरी से किराया बढ़ाने को बात आ रहा है। आशा करूँ जानकारी शायद आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। कोई भी सवाल हो तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कुछ भी जानकारी अगर चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि हम उसको लेकर के आपको वीडियो बना करके आप तक पहुँचाएँ। और रेलवे संबंधित हमारे चैनल पर आपको काफ़ी कुछ वीडियो आपको मिल जाएगा, हर तरह के वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। एक बार चैनल पर जाकर के आप देखिए, टिकट बुकिंग से लेकर के ID पासवर्ड संबंधित हर तरह की जानकारी जो है, हर कोटे के बारे में जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आशा करता हूँ जानकारी साथ अच्छा लगा, लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे जानकारी के साथ, तब तक ले दीजिए, नमस्कार, बाद दिन शुभ हो।